लास्ट नाइट आई एम आस्किंग व्हाट इज किरियन. किरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, याद रखना है. किरियन मीन्स न्यूक्लियस. प्रो का मतलब प्रिमिटिव और नॉट वेल डिफाइंड. अपनी असाइनमेंट में लिखते जाना है बाद में, बट अभी पहले सुन लो. नॉट वेल डिफाइंड. यू का मतलब होता है ट्रू या वेल डिफाइंड. ठीक है जी. तो यहीं पर ही, यहां से आपको क्या पता चला? दो चीजें पता चली आपको कि एक तो किरियन का क्या मतलब है और एक प्रो और यू का क्या मतलब. और इन वर्ड से हमने क्या डिराइव किया, दैट इज प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? ऑर्गेनिजम्स. विद या विच डू नॉट हैव. विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. प्रिमिटिव, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है वो प्रिमिटिव ही होंगे, पुराने ही होंगे. तो वो पुराने ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, दैट आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स. एंड यहीं से ही आपको अब कह सकते हो, हु कैन गिव मी डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोट्स. हाँ जी, कौन बता सकता है बेटा यूकैरियोट्स की डेफिनेशन? अब तो जैसे प्रोकैरियोट्स को डिफाइन किया है, ऐसे यूकैरियोट्स को कर सकते हैं. हाँ जी, नाइन्थ ए महेश्वरी. महेश्वरी इज देयर. आ जा बेटे, जल्दी से आ जा, भाग कर आ जा. कुछ नहीं, इधर सिर्फ जैसे हमने प्रोकैरियोट्स, यू का मैंने बता दिया वेल डिफाइंड, किरियोन का मतलब बता दिया न्यूक्लियस, इससे आपने बता देना द ऑर्गेनिजम्स विच है मैम, जिनके पास न्यूक्लियस होता वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, राइट? इंग्लिश में बता दो जो लिखोगे, द ऑर्गेनिजम्स विच है वेल है, न्यूक्लियस विच आर हैविंग अ वेरी वेल न्यूक्लियस। विच है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेरी गुड महेश्वरी, बैठो बेटा. द ऑर्गेनिजम्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप गलती तो नहीं करोगे आप? नो, राइट? अब प्रोकैरियोट्स, यस, नाइन्थ है दिलप्रीत कौर. दिलप्रीत इज देयर? नहीं है. ओके, एब्सेंट है, कोई बात नहीं. हरमनप्रीत कौर, जल्दी से आ जाओ, भाग के आना. हरमनप्रीत, आपने मुझे बताना है बेटा प्रोकैरियोट्स की क्या एग्जांपल्स है, कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में. लेट मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. फंजाई आ सकता है, एनिमल सेल आ सकता है, प्लांट सेल्स आ सकते हैं, कि बैक्टीरियल सेल्स आएंगे. जाए सबसे इन चारों में से सबसे पुराने कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट की, एनिमल्स. एनिमल्स। हाँ, एनिमल्स बेटा. बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव क्या है? बैक्टीरिया है बच्चे.
ठीक है, याद रहेगा बेटा। अब तो प्रोकैरियोट्स क्या हुए? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल है। बैठो बेटा, अब याद रखना है एवरीबडी, मैंने दोबारा दोबारा पूछना है। सो प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाएगी बैक्टीरिया। ठीक है, एक ही एग्जांपल याद कर लो, दो एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाती है, बट एक याद रखो, दैट इज बैक्टीरिया। और बाकी सब, चाहे फंजाई है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, चाहे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटोजोन्स है, पढ़ा था ना लास्ट ईयर 8th में, प्रोटोजोआ मटेरियल पैरासाइट, यस। ठीक है, तो वो सब यूकेरियोट्स है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ठीक, सो प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल आ जाती है, सब एक बार बोलो, प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया। और अगर प्लांट सेल्स कहें, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सब क्या आ गए? यूकेरियोट्स। यस और नो? ठीक है जी। तो अब ये मैंने ए सेल बनाया है, ये बी बनाया है, एक यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर भी। आप क्या देख रहे हो यहाँ? ये बेटा मैं रब कर दू सारा? ओके, सबसे पहले चलिए मैं अभी पूछती नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, वेरी, एंड दिस इज यूकैरियोटिक प्लांट सेल। Both are covered by, सबसे बाहर वाली लेयर है, वेरी गुड, उसके अंदर, वेरी गुड, देन द जेली लाइक सब्सटेंस, वेरी गुड, सभी में, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, द जेली लाइक फ्लूइड है, ये सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इन प्लांट सेल्स द मैक्सिमम स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हो, इट इज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्ट्रक्चर, पेक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल पेक्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज सैक पेक्यूल। ठीक है, फंक्शन क्या है? स्टोरिंग ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, इसका मेन फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है That is called as cell sac. Then this structure
It is called as न्यूक्लियस. एंड रिमेम्बर दैट कि सैप वैक्यूल आप देख रहे हो मैक्सिमम स्पेस कितनी स्पेस 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम जो है इट इज कवर्ड बाय सैप वैक्यूल. प्लांट सेल की बात कर रहे हैं एनिमल सेल की बात हम नहीं कर रहे. इज इट ओके एवरीबडी हियर. बाद में ड्रॉ करना पहले बिल्कुल ध्यान इधर सुनने में. कान आंखें और दिमाग ये सामने ठीक है जी. ये सेल सैप है. दिस इज हेड ऑफ द सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को किसने कवर किया हुआ है और आप देख रहे हो ये डबल है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का क्या है ये क्या है ये क्रोमेटिन. दिस इज क्रोमेटिन. आई विल लेटर आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड द क्रोमोसोम. बट अभी हम यहाँ पे बात करें क्रोमेटिन. ये क्या है डार्क कलर. न्यूक्लियोलस. वेरी गुड वेरी गुड. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज कॉन्टिन्यूअस विद ये कौन से स्ट्रक्चर्स है. इट इज आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ये कौन से स्ट्रक्चर है ये जो डॉट लाइक राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का क्या काम होता है बेटा. चलिए अभी हम बात करते हैं. नाइन्थ बी सेकेंड बेंच बेटा इधर ध्यान इधर. हमें रजिस्टर नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं बुक्स नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन यहां पर हो. दिस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस क्या जनरेट करता है एनर्जी जनरेट. ठीक है और एनर्जी कौन सी प्रोसेस से निकलती है रेस्पिरेशन से. सेवंथ क्लास में आपने पढ़ा है सेल रेस्पिरेशन. तो सेल रेस्पिरेशन से एनर्जी लिबरेट होती है. और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इसका क्या मतलब है. माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों. यस वेरी गुड. रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी दैट इज रेस्पिरेशन. यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 7 यस और नो याद है आपको. बट वो टाइम शायद आपका कोविड में निकल गया था बट एनी हाउ ठीक है. सो सेल रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट लिबरेट्स एनर्जी. एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल राइट. एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वेरी गुड दिस इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट या अगर हम बात करें प्लास्टिड भी कह सकते हैं. बट लेट अस से दिस इज क्लोरोप्लास्ट. देन व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर. गोल्जी एपरेटस. अपरेटस तो नहीं बेटा हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि प्लांट सेल है ना बच्चे तो यहाँ पे सिर्फ हम गोल्जी बॉडी कह देंगे. ठीक है जो एनिमल सेल्स है बेटा वहां पे मैं बता दूं कि वहां पे
गोल्जी बॉडी इस तरह से, वहां पे गोल्जी अपरेटस होता है बेटा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दिस इज गोल्जी अपरेटस। इस तरह से होता है, दैट इज गोल्जी अपरेटस। यहाँ पे सिंपल एक-एक है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज, इज इट राइट? देन व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? राइबोसोम्स। सो दिस स्ट्रक्चर एज वेल एज यहां पर भी राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में दोनों राइबोसोम्स, बट इन केस ऑफ दिस इज गैस वैक्यूल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले आपने कहा इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक तरह के क्रोमेटिन नजर आ रहा है, बट रिमेम्बर दैट क्रोमेटिन इट इज फॉर्मड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनेटिक मटीरियल तो है ही है, इट इज अंडर कैटेगरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और यहां पे जो न्यूक्लियोइड है इट इज फॉर्मड ऑफ डीएनए ओनली, इसमें प्रोटीन नहीं है, आपकी बुक में लिखा है न्यूक्लिक एसिड ओनली। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया डीएनए इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, तो दूसरी और चीज है कि यहाँ पे एक तो जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है इट इज फॉर्मड ऑफ डीएनए ओनली नो प्रोटीन्स, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे जो क्रोमेटिन है इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल हम यहाँ पे कहते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट बट जीनोफोर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट है जीनोफोर हैज डीएनए और थर्ड पॉइंट है डीएनए या जीनोफोर नॉट कवर्ड बाय एनएम, मैंने लिख लिया व्हाट इज एनएम, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज इट ओके? तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो एब्सेंट है बट जीनोफोर प्रेजेंट है। क्या मतलब है इसका जीनोफोर का? जीनोफोर इज कॉइल्ड डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज इट क्लियर? और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे बेटा, सिर्फ राइबोसोम्स मिल रहे हैं, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ना गोल्जी बॉडी है, सॉरी गोल्जी बॉडीज है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? बट राइबोसोम्स तो है, तो क्यों नहीं है बेटा कि जिन स्ट्रक्चर्स के बाहर भी मेम्ब्रेन्स है, राइट? इधर देखो बेटा बॉयज 9th A सेकेंड रो
इधर ध्यान, है ना, ऐसे नहीं। तो क्या है कि जिन ऑर्गेनेल्स की भी मेम्ब्रेन्स है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स है ये सब, तो जिन ऑर्गेनेल्स की भी मेम्ब्रेन्स है वो एब्सेंट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। बट राइबोसोम्स तो है, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस, एंड दस प्रेजेंट इन बोथ प्रोक्रियोट्स एंड, ठीक है। तो प्रोक्रियोट्स की दो मेन पॉइंट्स है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, सेकेंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इज इट ओके? यस, हु विल टेल मी? नाइन्थ बी, नाइन्थ बी में बेटा इंद्रप्रीत, इंद्रप्रीत इज देयर? इंद्रप्रीत नहीं आई आज, ओके नो प्रॉब्लम। एकमजीत, ओह मैं गलत ही नाम बोल रही, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अनिका, अनिका इज देयर? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। अनिका गिव मी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्विकली, न्यूक्लियस के बेस पे और ऑर्गेनेल्स के बेस में। फर्स्ट न्यूक्लियस के बारे में बताओ जल्दी से। हाँ बोलो बोलो, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट के प्रेजेंट, जोर से बोलो। Present in prokaryotic and absent in eukaryotic. बेटा मेरा तो एक पढ़ाया हुआ ही खत्म हो गया। यू का मतलब है ट्रू, प्रो का मतलब है नॉट ट्रू। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट, एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोट्स में। दूसरा बताओ, मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट की एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? एब्सेंट, एब्सेंट। कोई और तो नहीं बता रहा? चलिए तीसरी एग्जाम्पल बता दो। अब मैं इसकी ऑप्शन नहीं, नहीं नहीं थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल बताओ जल्दी से प्रोकैरियोट्स की। बैक्टीरिया, ये उधर देख के क्यों, कोई मैम देखना, कोई और तो नहीं बता रहा? हाँ आंसर इज बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए बैठो, अगर आपने बताया तो वेरी गुड, बैठो बेटा। तो प्रोकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, सेकेंड मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, थर्ड एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटोजोनल सेल्स, ऑल दीज आर यूकैरियोट्स। इज इट ओके? व्हाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? बिकॉज दीज आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं, ये मैं थोड़ा सा रब करें, अब बेटा जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियस इट हैज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब होता है, विच कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल।
इस सेल ने क्या बनाना है, इस सेल ने आईज बनानी है, कि पर्टिकुलर सेल ने न्यूरॉन बनाना है, कि इसने अब मसल्स में काम करना है, ये लिवर सेल्स बनेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इसने अब सो जाना है, इस सेल ने बहुत एक्टिव होना है, किसने डिसाइड करना है? न्यूक्लियस ने डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे घर में भी कोई ज्वाइंट फैमिली हो तो दादाजी है, पर दादाजी है वो सब डिसाइड करेंगे कि इस ट्रिप पे कौन जाएगा, इस बिजनेस में कौन बैठेगा, घर में किसने रहना है क्या नहीं, तो वो सारा एक घर का फंक्शन है, वो कंट्रोल करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। राइट, देन इट इज ज्वाइंट विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज, रिमेंबर दैट दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। इट मीन्स राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स। अभी आपने क्या कहा था, प्रोटीन से पहले क्या कहा था, फॉर्मेशन ऑफ, चलिए वट एवर। सो दीज राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ। अब बात ये है कि प्रोटीन्स का क्या काम है, प्रोटीन्स रेगुलेट वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। क्योंकि जितने भी सेल में रिएक्शंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या, पीछे गर्ल्स नाइन थे, और एंजाइम्स क्या है, दे आर प्रोटीन्स। तो सेल में अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोटीन्स है वो सभी रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बट हम तो ये कह रहे थे कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सब एक्टिविटीज को, फिर हम कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं एक्टिविटीज को, वो रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये कैसे? जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में वही फर्क है, जो बेटा ऊन ले लो, ऊन का जब हम एक बॉल बना लेते हैं, करती है ना मम्मा बाजार से ऊन लेके आती है, फिर उसको धागा लपेट के एक गोला बनाती है, और अगर उसको धागे को खोल दो और अगर ऐसे ही रख दो तो वो उलझ जाता है। तो जो वो उलझा हुआ धागा है दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, और क्रोमोसोम, ये बिखरा हुआ धागा है, और जब हमने इसको कॉइल कर लिया तो ये क्रोमोसोम बन गया। ये कहाँ पे मिलेगा, नॉन डिवाइडिंग सेल में। और क्रोमोसोम कहाँ पे, ड्यूरिंग डिवीजन। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन है तो एक ही चीज है, जो बिखरी हुई है दैट इज क्रोमेटिन, जब उसको कोयल कर दिया तो बन गया क्रोमोसोम, बाकी एक ही चीज। तो क्रोमेटिन अगर हम कहें हैज जीन्स, क्रोमेटिन या डीएनए, इसके पास जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स जो हैज इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, कि ये प्रोटीन बनना कैसे है,
राइबोसोम कहता है मुझे बता दो कैसे प्रोटीन बनाना है, मैं बना दूंगा, बट कैसे बनना है वो इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के पास, ठीक है, या डीएनए के पास। तो डीएनए ने, डीएनए पासेस इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टू आरएनए which go to ribosomes for protein synthesis, ठीक है। तो क्या दोबारा से मैं बता रही हूं कि सेल्स की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन्स। बेटा एक मिनट सर, सेल की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहा है, बट प्रोटीन्स को कौन बनाने के या उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। सो हाउ डू न्यूक्लियस, क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी से, राइट डाउन, हाउ डू न्यूक्लियस कंट्रोल्स, how do nucleus controls activity of the cell, इसका आंसर है थ्रू प्रोटीन्स। कि न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स थ्रू प्रोटीन्स, इट हैज इंफॉर्मेशन, डीएनए हैज इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन्स विच इज पास्ड टू राइबोसोम्स, विच इज पास्ड टू राइबोसोम्स थ्रू आरएनए, ठीक है। तो डीएनए के पास क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन्स, इज इट ओके। राइबोसोम्स क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को लेके प्रोटीन्स बना रहा है। सो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो हम बात कर रहे थे आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज रफ, क्योंकि इसके सरफेस पे प्रोटीन राइबोसोम्स अटैच्ड है, छोटी छोटी बॉल्स है राइबोसोम्स की, इसलिए इसको क्या कह दिया, रफ। ये जो है दीज आर राइबोसोम्स। तो बेटा क्या काम है आरईआर का, ये है लेट अस से ये आरईआर, यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनाए, ये प्रोटीन्स अंदर गए, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये सब पूरे, ये तो मैंने आपको वैसे ही दिखाया, अदरवाइज इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द सेल। तो आरईआर सिंथेसाइज़ प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल, इज इट ओके। तो आरईआर का क्या फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स, दोनों तरफ। जल्दी से फटाफट से बोलो, नाइन्थ है, फंक्शन क्या है आरईआर का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यस, एंड ट्रांसपोर्ट of proteins to various parts of the cell. उसके बाद आ जाता है बेटा another is SCR,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन्स तो नहीं बनाएगी। सिंथेसिस ऑफ फैट्स, फैट्स को हम और क्या कह देते हैं, लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। और दूसरा है इन लिवर सेल्स ऑफ एनिमल्स, SCR डिटॉक्सिफाई वेरियस टॉक्सिन्स। जहर तो नहीं हम कह सकते कि स्ट्रॉन्ग, बट हमारी हम इतनी दवाइयां खाते हैं, इतना कुछ गंदमन खाते हैं, तो उनमें से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लिवर सेल्स उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। बट ज्यादा नहीं, क्योंकि एक टाइम पे वो भी साथ छोड़ सकता है कि बस इतना कुछ खाई जा रहे हो गंदमंद है, मैं कब तक इसको डिटॉक्सिफाई करूं, राइट? फिर वो जवाब देता है मैंने नहीं काम करना। इसलिए सोच समझ के, ऑल्दो नेचर ने हमारी बॉडी में बहुत कुछ दिया है, बट अगर उसको हम जुडिशियसली यूज करेंगे, ढंग से यूज करेंगे, तो बॉडी ठीक रहेगी। ठीक है जी। सो SCR सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। लिवर सेल्स में एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो दे हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स। उसके बाद आ जाता है बेटा जो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड बाय गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी अपरेटस। यहां हमने दिखाया नहीं, यहाँ पे तो अलग अलग चीजें हैं, अदरवाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी बॉडीज के साथ कनेक्टेड होती है। क्या काम है इसका, ट्रांसफर सब प्रोटीन्स, ट्रांसफर सम प्रोटीन्स टू गॉल्जी बॉडीज। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है, नॉट ओनली इन 9 बट 11th 12th नीट के पेपर में, PMT के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इवन IAS के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गॉल्जी बॉडीज इन प्रोटीन्स का क्या करती है। गॉल्जी बॉडीज ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर बेटा आपको ग्लाइकोसाइलेशन नहीं याद आया, ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब है, प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज को अटैच कर देती है, कई काम होता है बेटा, प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज को अटैच करना। बट अगर ग्लाइकोसाइलेशन आपको नहीं याद आता, पता नहीं मैडम ने क्या टर्म बताई थी, तो आप सिंपल कह सकते हो मॉडिफिकेशन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। ये तो याद रहेगा, यस और नो? ठीक है, मॉडिफाई नहीं याद आता, चेंज तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है। सो चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पहली बार। सेकेंड थिंग, पैकेजेस इन ए मेम्ब्रेन, पैकेजेस प्रोटीन्स, पैकेज ऑफ जो प्रोटीन्स है उनको ऐसे पैकेज, एक मेम्ब्रेन में पैकेज कर देते हैं। तो गॉल्जी बॉडीज का क्या फंक्शन है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। और तीसरा फंक्शन आ जाता है बेटा इन एनिमल सेल्स, नॉट इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स
मतलब गोल्जी बॉडीज फॉर्म लाइसोसोम एंड यू नो प्लांट सेल्स में ब्रैकेट में लिख लेना एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. एनिमल सेल्स में गोल्जी बॉडीज क्या कर रही हैं? दे फॉर्म लाइसोसोम्स. इज इट ओके? फंक्शंस याद रहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रही है, उसने कुछ प्रोटीन्स तो ट्रांसपोर्ट कर दिए, कुछ प्रोटीन्स गोल्जी बॉडीज को दे दिए. गोल्जी बॉडीज ने उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया और मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर दिया. एनिमल सेल्स में वो गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स भी बना रही. ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्लास्टिड्स. अच्छा बेटा एक और चीज है, बायोजेनेसिस. व्हाट इज बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन या रीजेनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स. किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन टूट गई है, कुछ रप्चर हो गई है, तो उसकी रीजेनरेशन हो रही है एंड दिस इज डन बाय एससीआर. रीजेनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लास्टिड्स. बेटा डबल मेम्ब्रेन है प्लास्टिड्स. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन ये क्या है? These are called as thylakoids, और जब ये thylakoids जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम ग्रेना कहते हैं. चलिए ये कुछ structures हैं इस तरह से जुड़े हुए. मेन यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है कि प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए. एंडोप्लाज्म नहीं तो डीएनए किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. बट प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो ऑर्गेनेल्स है जिनके पास अपना डीएनए होता है, राइट? तो इट हैज इट्स डीएनए, इट हैज देयर ओन राइबोसोम. न्यूक्लियस है इसमें डीएनए, इट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द होल सेल, वेयर एज प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए. दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय देमसेल्व्स, राइट? एक लेटर से एक आपके स्कूल में कोई मेस है, ठीक है, मेस जो है वो खाना बना रही है, वो सारे स्कूल के लिए, फॉर एग्जाम्पल है, वो सारे स्कूल के लिए खाना बना रही है, बट कुछ क्लासेस में अपने छोटे छोटे स्टोव्स पड़े हुए हैं जो थोड़ा सा अपना खाना खुद भी बना ले. इसी तरह से हम बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियस का डीएनए है, इट फॉर्म प्रोटीन्स फॉर होल ऑफ द सेल, बट डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनेल्स. कौन सी दो ऑर्गेनेल्स है? नाइन्थ बी, जोर से बोलो. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स.
One is plastid, second is mitochondria. Mitochondria. They can synthesize some of their own proteins. Therefore, plastids and mitochondria, they are called as semi-autonomous organelles. Semi means half, autonomous means independent. Baki sab organelles nucleus pe dependent hai. But plastids and mitochondria thode se proteins khud bana lete hai. Isliye ye semi-autonomous, semi-independent hai. Pure independent nahi hai. But kuch proteins ye khud bana lete hai. So they are semi-autonomous. And autonomous hota hai independent bodies. So these are semi-autonomous organelles. Yes or no? So one can ask you, why mitochondria is semi-autonomous? Because it has its own DNA and can synthesize some of its proteins. Okay? Yes. ठीक है? आप बेटा जाकर वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्ड होके आप सबको पता है कि ये कौन सी साइट पे मिलती है? Do you know that? Yes. है ना के एडुकॉन ई लर्निंग, राइट? सबको YouTube चलाना आता है? Yes. ठीक है, वहां पे के एडुकॉन ई लर्निंग भरोगे तो सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, अपनी क्लास का लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है? और क्योंकि इसका क्या फायदा रहेगा, सुनी हुई चीज एक बार दो बार सुनोगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगी, राइट? सो इट हैज इट्स ओन डीएनए, हैज इट्स ओन राइबोसोम्स. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द्रेना. एंड It has, ये राइबोसोम्स नहीं, it has क्लोरोफिल. This is क्लोरोफिल. ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, अगर क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट. बेटा जल्दी से बता दो, colored plastids are called as chromoplast and colorless plastids are leucoplast. Leuco means white, colorless, right? Colored plastids are chloroplast. Colorless are called as leucoplast. Yes, can anybody tell me about leucoplast ka kya function hai? But a leucoplast stores food. Wo khana, kyunki unke paas pigments nahi hai. Wo colorless hai. Unke paas koi chlorophyll nahi hai. Wo khana bana hi nahi sakte. But wo kehte hum khana store kar lenge. To leucoplast ka kya function hai? Storage of food. Right? And क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है इफ इफ इट हैज क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. इफ इट हैज other pigments, then it is called as, you know, chromoplast unko kehte hain. Chloroplast ka function hai photosynthesis. Everybody knows? Yes. ठीक है, और जिनमें दूसरे pigments है chromoplast, उनका क्या function है बेटा? रेड पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है, पर्पल पिगमेंट है, दे गिव कलर टू द फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स एटसेट्रा. तो प्लास्टिड्स एक तो हो गए ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे हो गए क्लोरोप्लास्ट, तीसरे क्रोमोप्लास्ट. जल्दी से मुझे बताओ, वेरी गुड, नाइन्थ ए, ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है?
स्टोरेज ऑफ फूड. क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? नाइन्थ बी. क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. नाइन्थ ए. क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, बाकी के पिगमेंट्स है, उनका क्या फंक्शन है? गिव कलर टू सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. इज इट ओके? ठीक है. आई होप आपका टाइम हो गया है, राइट? तो आपने बेटा क्या करना है अब आज, पहले मैं ये